फ्रेंड्स, पाइथन सीखने के सिलसिले जो मैं उन्हीं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रेंज इन टूपल। रेंज एक्चुअली एक फंक्शन है और इसका हम टूपल में कैसे यूज कर सकते हैं। तो यार, ये रेंज एक्चुअली लिस्ट की तरह ही काम करता है। जिन लोगों ने लिस्ट को ध्यान से पढ़ा हो और अभी तक उनको याद हो कि यार रेंज फंक्शन कैसे काम करता था, उनके लिए बड़ा ही आसान है। तो मान लीजिए आपको एक ऐसा टूपल जनरेट करना है। लेट से मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे मैं एक टूपल जनरेट कर रहा हूँ, लेट से नम नाम का, ठीक है। और नम में आप क्या रख रहे हैं, नम में आप एक्चुअली रख रहे हैं क्या, एक टूपल रख रहे हैं। और टूपल में वैल्यूज क्या क्या होंगी, टूपल में वैल्यूज होंगी लेट से वन, ऐसे मतलब आप रखना चाहते हैं लेट से 10 तक, तो आप ऐसा रखेंगे। मैं करूँ 20 तक, तो आप 20 तक लिख दोगे। मैं कहूँ कि 30 तक, तो आप 30 तक लिख दोगे। लेकिन मैं कहूँ 1 लाख तक, तब आप क्या करेंगे, तब आप जो है थोड़े से यहाँ पर सोचने मजबूर होंगे कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, थ्योरेटिकली कर सकते हैं। थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं कि 1 से 1 लाख तक आप लिख दीजिए एक टूपल में और वो नम में स्टोर करा दीजिए। लेकिन मैं कहूँ 1 करोड़ तक, तब आप कर पाएंगे क्या, प्रैक्टिकली भी नहीं कर पाएंगे। थ्योरेटिकली तो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को नहीं कर सकते। और यूनिवर्सिटी के रोल नंबर को अगर हमको एक डाटा बनाना है, डेटाबेस क्रिएट करना है, तो आपको क्या करना होगा, ये ऐसा करना होगा। तो इसके लिए आप एक एक रोल नंबर लिखने नहीं बैठेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। एक्चुअली ये टूपल है और सिंपल, इसको प्रिंट करा के मैं इसलिए बार बार दिखाता हूँ ताकि आपको जो है चीज़ें जो है इमेज बनने लगे आपके दिमाग में, ठीक है। तो इसलिए मैं प्रिंट करा के बार बार चीज़ों को दिखाता हूँ। इन सभी चीज़ों को थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि जो इंटरफेस अच्छा हो सके। अच्छा, देखिए प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि 1000 तक अगर मैं चाहूँ तो यहाँ नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि वीडियो जो हो जाएगा बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं पॉज करके लिखूँ तो खुद मुझे आधा घंटा लिखने में लग जाएगा और फिर उसमें कई सारी गलतियाँ। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपल आपको रेंज फंक्शन बताता हूँ, रेंज का यूज कैसे करना है। तो रेंज का यूज करने के लिए यार सिंपल आप लिखेंगे, सबसे पहले तो आप लिखेंगे टूपल, और टूपल के अंदर आप सिंपल क्या करेंगे, रेंज लिखेंगे, और रेंज के अंदर आप सिंपल क्या लिखेंगे, 1 to 1 to व्हाट। बहुत सारे लोगों ने कहा होगा 10 नहीं, 1 to 11, क्योंकि मैंने लिस्ट भी बताया था कि रेंज में बताया था कि मैंने क्या कि लास्ट वाला जो इंडेक्स होता है वो एक्चुअली काउंट नहीं होता, उसके एक पहले वाला इंडेक्स काउंट होता है, ठीक है। तो मैं इसको यार प्रिंट करा के दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि देखिए क्या है, 1 to 10 तक प्रिंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप चाहते होंगे तो 1001, अगर 1000 तक प्रिंट करना है तो 1001 कर दीजिए और ये 1000 तक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1000 तक के प्रिंट हो गया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, सेकंड्स लगे, माइक्रो सेकंड्स कंप्यूटर को लगे और मेरे को सेकंड्स लगे लिखने में, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार 1 लाख 1 तक हो जाए, तो 1 लाख 1 तक लिखने के लिए 2 और 0s बढ़ाने होंगे, और देखिए ये भी इसको सेकंड्स लगेंगे मुश्किल से, इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि 1 लाख है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना, और 32000 तक गया अभी, और देखिए 41000 तक गया, इसको थोड़ा समय लगेगा। तो आप मजे लेने के लिए अपने कंप्यूटर के साथ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि देखिए अभी तक प्रिंट कर रहा है, 58000 तक गया और 67000 तक गया, और ये जो है 76189 तक पहुँच गया, और जैसे कि मैं 84000 तक पहुँच गया, अब की बार जो है ये ख़त्म कर देगा, ठीक है। ये लास्ट है, देखिए 1 लाख तक प्रिंट हो गया। तो आप चाहे तो इसको एक्सप्लोर करके ऐसे देख लेंगे, ठीक है। तो यार आप ऐसा कर सकते हैं, आप 1 करोड़ 2 करोड़ जितना करना आप करिए, आपको कंप्यूटर को जितना सेकंड लगेगा वो कर देगा, ठीक है। तो आप ऐसा टूपल क्रिएट करने के लिए सिंपल रेंज फंक्शन का यूज कर देंगे। आई होप कि आपको रेंज फंक्शन क्लियर हुआ हो, अगर कैसे यूज करना आपको पता हो। सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स प्लस 1 लिखना है, ठीक है, कॉमा लगा के। तो उतना का टूपल आपको आ जाएगा, टूपल यहाँ लगाना बिल्कुल नहीं भूले, ठीक है, क्योंकि टूपल नहीं लगाएंगे तो आपका टूपल क्रिएट नहीं होगा। अच्छा, अब इसका मैं क्या करता हूँ, इसका मैं टाइप प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, प्रिंट, और यहाँ पे सिंपल मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ व्हाट, नम। तो ये यार मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको आइडिया हो जाए कि यार ये टूपल ही है। तो यार मैंने गलत कर दिया, गलत ये किया कि कंट्रोल सी पहले मैं दबा के इसको एग्जिट करता हूँ, और मैंने एग्जिट कर लिया, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसका टाइप प्रिंट करता हूँ। टाइप प्रिंट करने से पहले यहाँ के जो मैं 2-3 0 हटा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगे, और सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए टाइप जो है मेरा टूपल प्रिंट करके अभी भी दे रहा है, ठीक है। तो ये यार टूपल ही है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है और सोचने वाली बिल्कुल बात नहीं है। जो भी सोचने की जरूरत पड़े वहाँ सिंपल आप टाइप प्रिंट करा के देख लीजिए, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो कि रेंज फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना देरी के प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।